गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल चूरन पर। और हमारी फैमिली के लोग मेरे को बिना पूछे जा रहे हैं आइकिया पर, और मैंने इनको समझाया कि तुम लोग पागल हो, आइकिया से इतना फ्री कंटेंट मिल सकता है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू आइकिया, व्लॉग लंबा करने का सस्ता तरीका। तो ये रहा एक बेडरूम, ये रही एक किचन, और ये रहे कुछ डाइनिंग टेबल, और ये रही अपनी जूतों वाली शेल्फ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एक बंदे के लिए इतने सारे जूते और वो भी सेम कलर। मैंने बहुत बार देखा कि कुछ लोग जो है बाथटब के अंदर बैठ के फोटो लेके जाते हैं। अब ऑब्वियसली मैं लेटूंगा तो नहीं, क्योंकि गंदा हो चुका है लेकिन किया कि मेन चीज जो बेस्ट है वो है यहाँ का खाना। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक ट्रे लेनी है, ये एक मेरी। तो ड्रिंक हम ट्राई करेंगे ये वाली, उसके बाद हम लेंगे एक डोनट। तो ये रहा हमारा आज का खाना। राइट, तो एक बार फिर से गाइस, मेरे पास है कच्ची मच्छी, और साथ में एक और मच्छी, साथ में एक और मच्छी, और साथ में सूप। सबसे पहले यहाँ के सूप का मजा लेते हैं। खतरनाक वाली मच्छी, एक्चुअली मैं वन ऑफ द फेवरेट है ये मेरी, पता है। उसके ऊपर हल्की सी सॉस लगानी है यहाँ पर ऐसे। और अभी गाइस 10 बंदों का खाना टोस्टने के बाद कर रहे हैं और शॉपिंग। तो ये रहे अपनी कालीन्स, ये रहा बाथरूम का सामान, और ये आ गई अपनी लाइटें। एंड फाइनली अभी आता है इनका प्लांट वाला सेक्शन। 2 hours later, 2 घंटे आइकिया शॉपिंग करने के बाद गेस करो हमने क्या बाय किया। हमने बाय किया डब्बे, ये देखो, पता नहीं क्या स्टोर कर रहे हैं डब्बों के अंदर यार। और गाइस अभी अगला दिन आ चुका है, डे नंबर 2, और मेरे को डे नंबर 2 पे ही प्रॉब्लम पड़ रही है। तो मेरे पास गाइस एंड्रॉइड का फोन है, और मुझे इस गेम के ऊपर गेम स्ट्रीम करनी है अपने OBS से। अब मेरे को पता नहीं कैसे होती है, तो मैंने फट से ईशान भाई को फोन लगाया। उन्होंने बताया कि USB-C HDMI की केबल ले लो, और ये देखो कितने सारे ऑप्शन है। ओ भाई हेलो, क्या बात, ये देख रहे हो भाई, देख रहे हो। उसके बाद 20 पेजेस और भी हैं, और मेरे को पता नहीं कौन सी वाली लेनी है। तो मैंने डिसाइड किया कि व्लॉग लंबा करने के लिए हम फोन शॉप के अंदर जाके देखेंगे कि उनके पास क्या क्या वैरायटी है। और आज की गाइस रिकॉर्डिंग होगी अपनी बारिश के अंदर, अपना फेवरेट, कभी खत्म ही नहीं होती यार ये बारिश। तो ये देख रहे हो हमारी इंटरनेशनल गाड़ी, इसको सबसे पहले नीचे करते हैं, और ये मेरे को हाथ से साफ करने पड़ेंगे। देख रहे हो इंटरनेशनल, और इसी की अभी लॉगी को चपेट पड़ेगी। ये ले लॉगी, यहाँ पर हमारे ऊपर स्टोर बना हुआ है, और आई बिलीव यहाँ से मेरे को जो भी तार चाहिए वो तार मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। और गाइस जिस फोन के लिए तार चाहिए वो फोन में लेके भी नहीं आया। देखे ओपी काम होते हैं अपने, चपाती भाई कुछ ज्यादा ही जल्दी है, और ठंड रखो। हेलो, मिला कुछ तार मिली भाई यहाँ पर, डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगी यहाँ पर। गाइस बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है, ढूंढते हैं। और इतनी सारी तारे हैं, जो मेरे को चाहिए वो ही नहीं है। हर बार ऐसे ही होता है, जो एक्चुअली चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं कभी। हर बारी मेरे को एक, इसको देखो कहाँ बैठा है, ए, चल भाई उधर मार। हर बारी गाइस मेरे को एक काम जो है 2 बारी करने पड़ते हैं। तो अंदर जाओ, फोन उठाओ, और वापस गाड़ी के अंदर जाओ। चपाती भाई अगर एक काम 10 बारी ना करें तो उनको चैन नहीं आता क्या? अभी गाइस हम फिर से घर आए, क्योंकि गाइस चपाती भाई फोन लाना भूल गए। तो अभी गाइस हम अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच गए हैं, और सामने है अपनी पार्किंग, और आपको तो पता ही है कि हम फ्री पार्किंग कैसे लेते हैं। अभी देखिए मेरी गाड़ी के अंदर से लंबोर्गिनी की आवाज निकलेगी। हाँ देखते हैं, मैं देख रहा हूँ भाई कैसी आवाज निकलती है। अभी हम गाइस घूम रहे हैं गेम शॉप के अंदर। मेरे को लगा था देखो कितनी हर एक प्रकार की गेमें पड़ी हैं, लेकिन जो जो चीज मेरे को चाहिए कभी कभी नहीं मिलेगी हमको। 4 दुकानों में हम घूम चुके हैं, 4 दुकानों में, और 4 दुकानों में एक दुकान पर ही मेरे को केबल नहीं मिली। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे अपने जिम में जाना है और अपनी गाड़ी फ्री करवानी है। ये रहा अपना जिम, और अभी मेरे को यहाँ पर ढूंढना है सुरेश को। तो ये सुरेश, क्या सुरेश यहाँ पर है? क्या सुरेश इस तरफ? यहाँ पर भी सुरेश नहीं है। तो यहाँ पर अपने टिकट स्कैन करो, और टिकट स्कैन करके चुपचाप चुप, किसी को पता भी नहीं लगा कि मेरी 2 घंटे की पार्किंग अभी फ्री हो चुकी है। मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि पूरा टाउन घूमने के बाद भी मेरे को केबल नहीं मिली। इम्पॉसिबल यार, एक केबल ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी एक जगह है मेरी दिमाग में, एकदम मैं BNQ की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अभी भी एक जगह है जहाँ पर मेरे को शायद केबल मिल सकती है। और ये रही गाइस हमारी नेक्स्ट शॉप। तो यार BNQ वालों की मशहूरी तो कुछ ज्यादा ही होगी, और उन्होंने स्पॉन्सर भी नहीं दिया, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई और बिजनेस। और एक बार फिर से गाइस हमको यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ेगा। केबल ही नहीं मिल रही मेरे को यार। अब बताओ बंदा करे तो क्या करे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मेरे को डेफिनेटली लगा था कि यहाँ पर केबल मिल, हर एक चीज पड़ी है यहाँ पर, मेरे को लगा था कि केबल मिलेगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। और इस आइडिया से मैं बिलीव नहीं करूंगा, इस आइडिया से मैं करोड़ों बेसिकली मिलियन डॉलर कमा सकता हूँ अगर मैं USB-C
बेचूं, हिस्ट्री में केबल बेचूंगा, किसी के पास भी नहीं है यार। मुंह चक्के बारिश के अंदर वापस घर, कुछ नहीं मिला। और मुझे कैसे एक बंदे ने बोल कर रखा था कि आप एक्चुअली में यूएसबी केबल के साथ ट्राई कर सकते हो, तो ट्राई कर लेते हैं। इतना लग पहले खराब है, थोड़ा बहुत और खराब जाएगा। इसको डालो यहाँ पर, दूसरा वाला मैंने डाल दिया चार्जिंग पर, और अगर मैं यहाँ पर जाके गेन कैप्चर लगाऊं तो कुछ भी नहीं हो रहा यार। तो यार अभी रोटी पानी खा के तो मैं फिर से आ चुका हूँ। आपने देखो वीडियो की शुरुआत में मैंने बहुत माल ठूसा, वो तीन दिन पहले वाली बात थी। उसके बाद आपने देखा कि मैंने ट्रबल शूटिंग की, वो दो दिन पहले वाली बात थी। तो आज फिर से व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता कि हमारे इंटरनेशनल व्लॉग है, एक व्लॉग कंप्लीट करने 5-6 दिन लगते हैं। और आज के व्लॉग में गाइस आपको याद होगा कि बहुत टाइम पहले हमने यहाँ पर अपने घर के अंदर एक बेड बनाकर रखा था, ठीक है ना, ऊपर छत के ऊपर बेड बनाकर रखा था, और बहुत सारा रबिश उस बेड में से निकला। और ये वो रबिश फेंकने हमने जाना है। मरो 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 मरो, ये वाला भूती तू भी खा भाई, और ये सामने ये कौन सा उड़ रहा है भाई, तू भी है ये ले। और लॉग ही आज खेल रहा है रोब्लॉक्स और रिकॉर्डिंग भी कर रहा है अकेले। भाई तो यार गाइस, यू सिमुलेटर गेम कमिंग सून, सब्सक्राइब टू लॉगी। तो ये वो अकेले इसलिए खेल रहा है क्योंकि मैंने 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 रेज क्विट कर दी, तो बहुत हार्ड थी यार ये। यार तुम लोगों को ऑनेस्टली कोई और काम है कि नहीं है? कभी यहाँ बैठे होते हैं, कभी हमारी छत के ऊपर बैठे होते हैं, कभी हमारे गार्डन के ऊपर बैठे होते हैं। सबसे ज्यादा गार्डन मैं खुद यूज नहीं कर रहा, हमारे कबूतर यूज कर रहे हैं। तो ये रहे वो बड़े बड़े डब्बे जो कि हमें एक्चुअली और डब्बों के साथ हमें फेंकना होगा, ये बड़े वाला कंबल भी फेंकना यार। गाइस ध्यान से, हाँ हाँ, अबे वो भज गया भाई, देख अबे दूसरा भी आ रहा है, ये वाला नहीं फेंकना, ये उससे बड़ा है वो। कैसे एक काम करता हूँ, मैं ये वाला यहाँ से उठा लेता हूँ और वो वाला भी ड्रॉप कर दिया। फोन छोड़ और उसको उठा। ओ ये देखो गाइस, चपाती भाई कैसे डब्बे लेकर जा रहे हैं। भाई ये वाला कैसे लेकर जा रहे हैं, आपको पता है सारी जमीन नीचे भाई सारी गिली है। रिकॉर्डिंग छोड़, हेल्प कर। अच्छा अच्छा करता हूँ। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो चुकी है, डब्बा गाड़ी में फिट ही नहीं होता। और नाइस हो गया, नाइस नाइस। और वो बाकी दो कहाँ रखोगे? और अभी आती है गाइस दी फाइनल चीज, और वो है कंबल। ये क्यों लपेट लिया भाई, आपको पता है वो गंदा है भाई। नहीं। हमारे घर के बंदे भी गाइस इतने बड़े ट्रोल है ना, मेरे को मम्मी बोलते है ये कंबल फेंक मत, ये साथ वाले बंदों के जो कबूतरे आएंगे ना उनके ऊपर डाल देंगे। ये कौन सी स्कीम होती है पहले ये बताओ, ये कैसे लेकर जा रहे हो भाई? हमें यहाँ पर जमीन नहीं साफ करनी है भाई, जमीन हमें नहीं साफ करनी है, उठा के लेकर जाओ, सारा पानी के अंदर डाल दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, ये कूड़ा फेंकने के लिए मैं पिछले 5 दिन से अपॉइंटमेंट बना रहा हूँ, तो 5 दिन बाद मेरे को अपॉइंटमेंट मिली है ताकि मैं जाके वहाँ कूड़ा फेंकूँ। देख लो कितनी बिजी जगह है ये। और कभी भी गाइस चपाती बा की गाड़ी में फ्यूल होगा ही नहीं, तेरे को चप्पल उतार। अच्छा अच्छा, हाँ स्टॉप कर दी। अच्छा सॉरी मैंने स्टॉप कर दी। तो ये वो जगह है गाइस जहाँ पर हम अपना कूड़ा फेंकेंगे, वैसे मैं नहीं चपाती बाई ऑब्वियसली फेंकेंगे, मैं तो यहाँ पर आराम से गाड़ी में चिल मारूंगा। रिकॉर्डिंग जैसे 5-स्टार होटल के अंदर वो रहा वो भीड़ू, कौन सा हमारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, तब जाके हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। वो देखो गाइस चपाती भाई कैसे जा रहे हैं भाई। पहले गाइस जो डब्बे के अंदर व्हाइट चीजें होती है पहले वो सामने फेंकनी होती हैं, और कार्डबोर्ड बॉक्स जाएंगे वहां उस डब्बे के अंदर। अंदर से तो खाली कर दिया, और अभी गाइस सामने डब्बा चपाती भाई को फेंक, ये कैसे फेंक दिया भाई, ये कोई तरीका होता है फेंकने का क्या? ऐसे नहीं होता, और अभी 2 डब्बे और भी बाकी हैं। और अभी आता है दी फाइनल बड़ा डब्बा भाई, पता नहीं ये कैसे फेंकेंगे भाई, ये क्या कर रहे चपाती भाई। अरे गया भी नहीं, अरे नाइस चला गया। कूड़ा फेंकने के बाद मेरे को जाना है यहाँ पर पास वाले केमिस्ट के अंदर, वहां से मेरे को लाइक मम्मी की दवाई लेके आनी है। मैं कल भी गया था दवाई लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे को मना कर दिया, बोलते दवाई है ही नहीं। उनको लगता है कि मैं यहां से दवाई लेके पास वाले केमिस्ट के अंदर जाके डबल प्राइस में बेच दूंगा। देखो ये कोई बात हुई? तो ये अपना केमिस्ट, ये देख रहे हो ये पहले वाला, तो यहाँ से मेरे को दवाई लेके आनी है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो ये रही गाइस मम्मी की दवाइयां भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो एकदम सब कुछ आज टाइम से हो रहा है। गाइस हमारा सारा काम आज खत्म हो चुका है, जितनी भी चीजें थी मेरे को करनी थी सारी मैंने खत्म कर दी है। तो मेरे को कूड़ा फेंकना था वो भी मैंने कर दिया, मेरे को मम्मी की दवाइयां लेके आनी थी वो भी कर दी, और अभी तक ये हमारा वैलोरेंट की शरीफ वाली जो गंदी हूवर अभी तक पैक पड़ी हुई है, वो इसलिए पैक पड़ी है क्योंकि मुझे इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करनी है और हूवर वॉर करना है। और दूसरी बात गाइस मेरे, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत मेरे को एक हॉलीडे चाहिए, लाइक लास्ट टाइम जब कोरोना वायरस हुआ था तो बाहर बहुत आई थिंक 2 साल हो गए, और 2 साल से मैं बाहर नहीं गया, मेरे पैरों में कुछ नहीं हो रही, लोगों हाथों में कुछ नहीं होते, मेरे पैर में कुछ नहीं हो रही है। और कुछ दिन बाद भैया दुबई जा रहे हैं, एक्चुअली भैया दुबई जा रहे हैं, और मेरे को बहुत गुस्सा आया कि मैं नहीं जा पा रहा। और दुबई ना जाने का मेन रीजन ये है कि मेरे पेपर वर्क रेडी नहीं है, आई थिंक मेरे दोस्त ने बताया था, अब ये सच है या झूठ है वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से बैठ चुका है कि अगर ये सच होगा तो नुकसान हो जाएगा बहुत भारी। बात ये है कि मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि दुबई जाने के लिए आपकी पासपोर्ट एटलीस्ट 6 महीने वैलिड होनी चाहिए, और मेरी पासपोर्ट 5 महीने में खत्म हो रही है। तो यार मेरे को अपने
नई पासपोर्ट भी अप्लाई करनी पड़ेगी एंड सेम फॉर लॉगी, लॉगी के लिए भी नई पासपोर्ट अप्लाई करनी है। और जैसी पासपोर्ट आती है मैं सोच रहा हूँ कि एक चक्कर दुबई मार के आते हैं, और अभी इसके बाद एडिटिंग वगैरह हाई पिक्सल की ग्राइंडिंग बहुत काम करने है, तो चलिए मैं चलता हूँ। और दूसरी बात कहें, अगर आप व्लॉग्स के ऊपर नए हो, चैनल के ऊपर नए, तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है, अभी कर दो सब्सक्राइब प्लीज। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।